वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी पोंगल और सारी चीज़ें कि मतलब आज अपने इंडिया में सारी स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो नए साल का पहला फेस्टिवल है, तो आप सभी को उन सारे फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज वीडियो कहीं बाहर नहीं बनाएंगे, आज वीडियो मैं घर में ही बनाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे रशिया में कैसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे या फिर करने वाले हैं, ये सारा आपको मैं दिखा दूंगा। तो अभी कुछ प्रिपरेशन चल रही है और बहुत सारे दोस्त लोग हमारे जो है यहाँ पे वो आने वाले हैं। तो बस वो आने के बाद दिखा देंगे हम आपको क्या चल रहा है क्या नहीं। और दूसरा, बाहर ठंडी बहुत काफ़ी है, मतलब बहुत बर्फ़ बाहर गिर रही है, मौसम काफ़ी ठंडा है बाहर। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फिर टाइम लग जाएगा। देखो गाइस, सभी लोग बाहर बैठे हैं। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, पहले नोबो है, नोबो हे गाइस, शांतनु। और यहाँ पे देखो गाइस, ये आप देख रहे हो जो हैप्पी व्यू ये बनाया है इस इंसान ने, नोबो ने। इधर राहुल, इधर दीपांकर, प्रीति। और ये देखो ये गर्ल्स कैसे मतलब एकदम सज धज के आ जाए सेलिब्रेशन। ओ हैप्पी व्यू दे रही है। हाँ, तो यहाँ पे ये कुछ खाना वगैरह बनाने का इन लोगों का प्रोसेस चल रहा है, बढ़िया से आप देख सकते हो। और इन लड़कियों ने रात भर पूरी मेहनत करके बनाया था, वो क्या बोलते हैं इसको, लड्डू, अपने लाडू बोलते हैं, लाडू, नारिकोलर लाडू मतलब आसामी में, और मतलब नारियल के लड्डू। देखो बढ़िया, बहुत टेस्टी बने, मैंने खा के देखे। बढ़िया से गाना बज रहा है, सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया से इधर उधर बैठे हैं। तो अभी हम जानेंगे इन लोगों से कि बिहू क्या होता है और क्या मतलब क्या सेलिब्रेशन होता है। बिहू के बारे में हम आज ना बताएंगे। ओके, अच्छी तरह से जानते हैं, चलो बताओ। बिहू हमारे असम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हाँ। जिसमें जब हम खेत हो जाते हैं तो उसके बाद जब हम मतलब फसल जो निकल जाती है उसके बाद ये कुछ उसका सेलिब्रेशन टाइप ऐसा कुछ है। हाँ, उसके हार्वेस्टिंग के बाद तो वही मतलब इंडिया के अलग अलग स्टेट में दूसरे नाम से मनाते हैं। हम लोग हैलाघर बनाते और मेजी बनाते हैं, और बिहू के दिन सुबह मेजी हम लोग जलाते हैं। अच्छा, ठंडा पानी भी जाते हैं। देखो ये पीछे से, ये पीछे से सारी आइडिया। हाँ, ये लोग अच्छी तरह से आता है तो ये लड़की। अच्छा, ये लड़की बता देगी, बताओ क्या क्या बता रहे थे। ओके, सो बिहू, बिहू के रात में हम लोग खेत में जाते हैं, हम एक घर बनाते हैं स्ट्रो एंड सूखे पत्ते से। हाँ। तो उसको बोलते हैं भेला घर। रात में हम वहाँ पे पार्टी करते हैं, और सुबह सुबह जब जो बर्ड्स होते हैं ना बिफोर सनराइज, तो हमें ठंडा पानी से नहाना पड़ता है ताकि जो हम सिंस कमिट किए हैं पूरे पुराने साल में वो सारे सिंस आर फॉरगिवन। तो धोने नहाने का बाद फिर हम वो जो घर बनाते हैं स्ट्रो से उनको हम जलाते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं बिहू को, और फिर पीठा वगैरह बनाते हैं। तो खाने की चीजें काफी खाने बनते की हैं, चीजें काफी पे बनाते हैं, नारियल स्पेशल बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लड्डू तो दिखाई दिए बढ़िया से वो, और वो पीठा भी कुछ होता है इन लोगों का, वो भी काफी फेमस होता है। मैंने खाया था, मतलब इन लोगों ने लाया था। हम एक दूसरे को बुलाते हैं अपने घर में, हम दूसरे के घर में जाते हैं सेलिब्रेट करते हैं, उनके घर में सब सबके घर में फसल रहते हैं, हार्वेस्ट हो जाते हैं तब तक। तो ये चीज हम लोग तो इधर बिहू नहीं मना सकते, तो हम लोग अभी बिहू मना रहे हैं रशिया में। रशिया में बिहू मना रहे हैं, आपको दिखा वही चीज दिखाने के लिए। देखो अब चलो, हम मैं अभी कैमरामैन बन गया हूँ यहाँ पे,
तो अभी हम दिखाएंगे देखो ये बंदा चिकन बनाएंगे, चिकन बना रहे हैं हम लोग, नारियल का लड्डू भी बना रहे हैं, ग्राइंड करके हम लोग आराम से नारियल का लड्डू बनाएंगे, नारियल का लड्डू बनेगा। उसके बाद हम लोग बनाएंगे मशरूम, बनाएंगे मशरूम बनेगा, टमाटर भी बनेगा। कुछ लोग जो है यहाँ पे वेज है तो वेज लोगों के लिए मशरूम बनेगा यहाँ पे। और हमारा बढ़िया से सब तरफ गाने वगैरह चल रहे हैं, सब लोग आए, अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद सब लोग एक साथ है और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो चलो पूरा आसाम के लोग इधर ही नोवो तो बाकी है, नोवो से बहुत सारे क्वेश्चन वो शर्माने का नहीं, लोगों को सब पता है कैसा है नोवो, उसको ले लेंगे थोड़ी देर बाद। नमस्ते सब कुछ। आप सभी को बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं, लोहरी की और पोंगल और मकर संक्रांति और जो जो भी आप बोलते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे फेस्टिवल की आपको और बहुत एंजॉय कीजिए। बस नमस्कार सबाई के, आज ये जानते जाच्छिलाम कि आज के वेस्ट बेंगलर एक उत्सव आछे जाके बोले पौष, ताहले ओई जन्य सबाई के शुभकामना और भालो थेको। আর বাইরে বেরো না বেশি কেন কি এখনো করোনা ঠিক হয়নি পুরো, বস এইটুকু এই চল রা বস আমরা ইয়া বৈঠে কুছ লোক ওয়া বাহার মুভি দেখ রে খানা বন রা ওয়া পে তো ইয়া পে আপ দেখ সকতে হো ইয়ে বনি এক গুজিয়া বড়িয়া সে ইসকো আসামিস মে বলতে হ্যায় জুন পিঠা ওকে আর আসামিস মে বলতে হ্যায় জুন পিঠা আর ইয়ে আপন লোক ইসকো গুজিয়া বল সকতে হ্যায় চিকেন অলরেডি রেডি হ্যায় চিকেন দেখ সকতে হ্যায় বন গয়া হ্যায় कदर टेस्टी लग रहा है, बस अब खाने का इंतजार है। और यहाँ पे देखो ये प्रोसेस देखो कैसे बन रहा है, ये इसके अंदर इसे भरना होता है ना, इसमें नारियल और सूजी डाली है। हाँ। फिर शुगर है और तो हम यहाँ पे मैदा यूज करें क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। तो ये ऊपर का मैदे वाला है, ऊपर का मैदे वाला है और गाइस उसके अंदर ये भर दिया है। खाने का इंतजार है, भूख काफी लगी है, अभी खाना है बस। क्या बोलते हो, बहुत ज्यादा भूख लगा है, मेहनत बहुत चल रही है, वेट कर रहा हूँ खाना कब रेडी हो जाए। और वो जो पीछे बंदा आप देख रहे हो दुनिया से, उसको दुनिया से मतलब नहीं है, ना कुछ बनाना है, मैं पबजी पे मेहनत कर रहा हूँ गाइस, पबजी दिन रात उसका पबजी चल दिन रात। गाइज ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग तो नहीं है क्योंकि अभी 12 बज गए हैं, तो कल रात को काफ़ी देर हो गई थी, खाना खाने में काफ़ी लोग आ गए थे, तो 12 बज गए थे शायद अराउंड, तो 12 बजे तक हम लोग का खाना वगैरह चला और फिर वो मैं वीडियो नहीं बना पाए उस कारण। हम लोग मकर संक्रांति बिहू ये सारा एक साथ सेलिब्रेट कर लिया, तो बिहू के बारे में तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान लिया। अब नोवो आसाम से है तो नोवो भी थोड़ा बताएगा, और नोवो कल मतलब फीचर नहीं हो पाया ज़्यादातर इसमें वीडियो में, काफ़ी सारे आसाम से लोग थे तो उनसे बात करने में बिजी था, तो अभी हम लोगों से जानेंगे। बता नोवो तो क्या बताओ, बिहू तो ये होता है कि हमारा ये बिहू साल का आखिरी बिहू जैसा होता है कि मतलब आसाम पे हमारा तो जानते हैं कि 3 बिहू होते हैं, परिवार के सब लोग मिलके खाना खाते हैं, और ये बिहू होते हैं पौष महीने का खत्म होने पे और माघ महीने के स्टार्टिंग, ये पौष महीने के जो आखिरी दिन होगा ना, तो हम उस दिन उस उनको बोलते हैं उड़ूका, और तरह तरह के पकवान बनते हैं बहुत सारे। हाँ। फिर पूरा रात भर जगते हैं लोग। हाँ, फिर पूरा रात भर गाना वाना बजता रहता है, पूरा रात भर रात भर आग के सामने ऐसे हाथ सेक के बैठा रहेगा, सब लोग बढ़िया से गप्पे लड़ाएंगे, मजे करेंगे। फिर जैसे वो दिन खत्म हुआ तो क्या होता है, 1 तारीख को सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह सब लोग नहाएगा, एकदम एकदम ठंडा तो कितना रहता है, फिर नहा धो के रेडी होके फिर बड़ों का आशीर्वाद लेगा। बोले हम लोग फैला घर बोलते, मेजी बोलते हैं उसको, मतलब केले की सूखे पत्ते होते हैं ना, तो उससे बनते हैं, और बहुत ऊंचे ऊंचे 2 फ्लोर इतना मंजिला, वो बहुत ऊंचा और उसको जला देते हैं। फिर हाँ, गाँव के सब लोग जाएंगे एक जगह में बैठ के, उस दिन मीटिंग करेगा मेल बात के, उसको बढ़िया से जलाएगा, फिर लोग वहाँ पे खेल कूद करेगा, बाफेलो का फाइट, बाफेलो ऐसा कुछ, अलग अलग ट्रेडिशन, इनके कल्चर अलग है। और इन लोगों की एक बात मुझे अच्छी लगी, मतलब ये आसाम से लोग हैं इन लोगों की, कि अपना कल्चर छोड़ते नहीं, मतलब जल्दी कि कहीं पे भी जाए बाहर जाए ये सेलिब्रेट करते हैं सारी चीज़ें सब लोग मिलके,
अच्छा लगता है ये सारी चीजें। तो बस यही है। और दूसरा गाइस, कल मैंने मतलब जो वीडियो आपको दिख रहा था बीच में, तो वो वीडियो मोस्टली मैंने गोप्रो से शूट किया है। और गोप्रो जो है इस बंदे का था, मतलब मैं फोटो दिखा रहा हूँ उसका, देखो। तो आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लगी ये थोड़ा कमेंट करके बताओ मुझे। अगर सही लग रहा हो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ले लूँ। बताओ आप लोग मुझे कैसी लगी इसका वीडियो क्वालिटी। तो बस यही, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।